ऑल गाइस वेलकम टू द चैनल अगेन, दिस इज द न्यू ऑल्टो K10। और जब हम ऑल्टो K10 के बारे में बात करते हैं तो ये है एक 1000 cc के इंजन के साथ में अंदर क्या क्या चीज़ें हैं, वो सारी चीज़ें मैंने आपके साथ में डिस्कस ऑलरेडी कर ही ली थी एक क्विक वॉक अराउंड में, जस्ट इन केस यू हैवंट वॉच द वीडियो, यहाँ पे आई कार्ड पे आपको जो है वो देखने को नजर आ रहा होगा। फिलहाल हम लोग हैं ऑल्टो LXi में और ये बेस वेरियंट है। अब इस वेरियंट के साथ में हम लोग करेंगे एक टेस्ट ड्राइव, जानेंगे इसकी परफॉर्मेंस सिटी में कैसी है ये, और ये मेरे फर्स्ट इंप्रेशन ही रहने वाले हैं। मैं पहली बार ऑल्टो K10 न्यू जनरेशन जो ऑल्टो K10 है उसको चला रहा हूँ, बट काफ़ी देर से जो है वो आइडल सिचुएशन पर खड़ी हुई है, तो मुझे इसके AC की परफॉर्मेंस काफी लाजवाब लगी दोस्तों। तो अगर आप सिटी के लिए ले रहे हो, नो डाउट हैंड्स डाउन टू द परफॉर्मेंस ऑफ AC, बहुत ही, क्योंकि केबिन छोटा हो गया ना, तो कंप्रेसर अगर आप छोटा भी लगा रहे हो तो कोई समस्या नहीं आती, क्योंकि उसको बहुत ही छोटे वॉल्यूम को कूल करना पड़ता है। कूलिंग एफिशिएंसी इज ऑल्सो गुड, क्योंकि अच्छी खासी ठंडी हवा जो है वो मेरे को फेंक रही है। बाय द वे ये जो वेंट्स है ना, ये मुझे काफी अच्छे लगे। LXi है तो आपको कुछ भी चीजें जो है वो अंदर से नजर नहीं आ रही होंगी, जैसे कि स्टेयरिंग व्हील भी जो है वो काफी नॉर्मल है। इसके टॉप ऑफ द लाइन वेरियंट में यहाँ पे स्टेयरिंग कंट्रोल्स भी आती है, सो दिस इज द ओनली कार इन दिस सेगमेंट जिसके ऊपर स्टेयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स आते हैं। ये क्योंकि LXi है तो कोई भी टूड इन सिस्टम भी इसके अंदर नहीं ऑफर किया गया है, एंड उधर भी कुछ सर्कुलर AC, यहाँ पे कोई भी डे नाइट ऑफर नहीं किया गया है। सनवाइजर एकदम प्लेन, मेरे पास में ऑल्टो 800 है जो दो BS3 में जब एक फेसलिफ्ट आया था वो वाली जनरेशन, तो सनवाइजर जो है ना बिल्कुल सेम क्वालिटी के, इनफेक्ट पार्ट शेयरिंग भी वहाँ पर की गई है, तो ये सनवाइजर बिल्कुल वही हैं और मेरे ख्याल में इनके अंदर कोई भी इनोवेशन अभी एज सच नहीं किया है, दीज आर द सेम। और ये भी मुझे काफ़ी हद तक डिज़ाइन अपने वाली पुरानी ऑल्टो की याद दिला रहा है। फिलहाल चलते हैं इस गाड़ी को लेके और सिटी में चलाते हैं, जानते हैं इसकी परफॉर्मेंस कैसी है। बाय द वे ORVM का डिज़ाइन मुझे काफ़ी अच्छा लगा, बट इलेक्ट्रिक एडजस्टमेंट इस गाड़ी के साथ में नहीं आता, तो अगर आप ORVM इलेक्ट्रिकली एडजस्ट करना चाहते हो वो नहीं है। यहाँ पर देखिए जो आप सांचा देख रहे हो, फॉक्स क्या कह सकते हैं इसको हम लोग, फॉक्स स्पॉट देख रहे हो, वो एक्चुअली ORVM को एडजस्ट करने के लिए ही दिया गया है। तो फिलहाल चलते हैं दोस्तों और जानते हैं इसकी परफॉर्मेंस। क्लच इज ऑन अ सॉफ्टर नोट, तो बहुत ही लाइट वेटेड, बहुत एकदम मक्खन की तरह जो क्लच होता है ना, बिल्कुल वैसा क्लच है। तो अगर आपको थोड़ा हार्ड क्लच इस्तेमाल करने की आप आदी हो तो ज़रूर आपको लगेगा कि यार ये क्लच काफ़ी सॉफ्ट सा है, बिल्कुल एकदम जैसे ही आप पैर रखोगे तुरंत दब जाएगा। तो अगर आपके घर में छोटे बच्चे जो 18 साल के अभी हुए ही हुए हैं वो भी गाड़ी चलाते हैं, नॉट बच्चे, उनको बच्चा नहीं कह सकते, अगर टीनेजर है और कम से कम 18 21 20 साल के बच्चे हैं और अभी थोड़ा सा स्टडीज़ में ज़्यादा फोकस्ड हैं, उन लोगों के लिए गाड़ी एक अच्छी आइडिया हो सकता है अगर आप प्लान कर रहे हो। एनीवे सबसे पहले इसके परफॉर्मेंस के बारे में बात करते हैं, ये प्लान कर रहे हैं और रहे हैं वो बाद में थोड़ा देखेंगे, जानेंगे कि किस किस के लिए गाड़ी ज़्यादा बेटर है। तो ये 1000 cc का इंजन है दोस्तों, तो इसकी परफॉर्मेंस आपको वो 1000 cc वाली ही लगेगी, बट इट इज़ स्टिल द बेस्ट इंजन इन द क्लास, रीज़न बीइंग बहुत रिफाइंड है और वो एक NVH लेवल जिसको हम लोग कहते हैं वो एकदम बैलेंस्ड है, और कहीं ना कहीं आपको जो है वो तकरीबन 3000 RPM के बाद में थोड़ा लगेगा कि हाँ इंजन जो है वो हल्का सा वोकल होना स्टार्ट हुआ है। अब ये LXi है तो मुझे 3000 कैसे चल रहा है, ये क्वेश्चन आप ज़रूर पूछोगे मुझे, क्योंकि इसके अंदर RPM मीटर नहीं आता। तो जैसे ही मैं रेव करता हूँ ना एक सर्टेन रेंज के बाद में, हमें आइडिया हो जाता है कि हम कितने RPM पे रेव कर रहे हैं। तो फिलहाल जैसे कि मैं 40 पे चला रहा हूँ, मुझे पता है कि ये तकरीबन 1700-1800 RPM के आस पास जो है वो रेव कर रही होगी, तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि 3000 के बाद में अगर आपको लगेगा कि हल्का सा वोकल होना स्टार्ट हो जाएगा, बट वो जो वोकल है वो ऐसा वोकल नहीं है कि आपको इरिटेट कर दे, आपको लगे कि रिफाइनमेंट की कमी है, वो वोकल इसलिए है क्योंकि आप RPM ज़्यादा दे रहे हो, थ्रॉटल ज़्यादा खुल रहा है, एयर फ्यूल मिक्सचर जो है ज़्यादा अंदर जा रहा है, तो ऑब्वियसली जब इंजन परफॉर्म करेगा और ज़्यादा फ्यूल कंज्यूम करेगा तो वो पावर भी ज़्यादा प्रोड्यूस करेगा, एंड ऑब्वियसली जब रेसिप्रोकेशन ज़्यादा होंगे पिस्टन एंड सिलेंडर्स के अंदर, तो ऑब्वियसली नॉइज़ भी ज़्यादा आनी निश्चित है। वाइब्रेशन के मामले में स्टेयरिंग व्हील हो या गियर नॉब हो या इनफैक्ट इसके जो पेडल्स हैं उसके ऊपर भी कोई वाइब्रेशन नहीं है दोस्तों, तो वाइब्रेशन NVH के मामले में काफ़ी सॉर्टेड है मारुति सुजुकी, हमेशा से हमने उनके 800 cc के इंजन देखे हैं। इनफैक्ट उनका मुझे सिलेरियो का एक 2-सिलेंडर डीजल इंजन याद आ रहा है जिसके लिए उन्होंने 800 करोड़ का सेटअप लगाया था मारुति सुजुकी ने, वो ऑल्दो एक सक्सेसफुल इंजन नहीं रहा है क्योंकि सिलेरियो में डीजल आप बहुत रेयर देखेंगे और बहुत रेयर गाड़ी है वो, बहुत ही कम लोगों ने बाय की थी, बट जिन्होंने भी बाय किया उन्होंने बोला कि हमें सिटी ड्राइव के लिए उस इंजन में पूरा भरोसा, कोई हमें भी जो है वो यहाँ पे समस्या होती हुई नज़र नहीं आती, तो उन लोगों के लिए भी कोई दिक्कत नहीं है। और
डीजल में स्पेशली जब हम बात करते हैं मारुति सुजुकी की, तो DDI टेक्नोलॉजी हमें हमेशा से याद रहती है। तो जब डीजल इंजन उन्होंने इतने रिफाइंड बना दिए, तो पेट्रोल तो सुजुकी के हमेशा से रिफाइंड थे ही। और एक रिफाइंड इंजन मुझे यहाँ पे याद आ रहा है, जो बलिनो RS के अंदर 1.0 लीटर का 3 सिलेंडर टर्बो चार्ज इंजन आया करता था, उसको इम्पोर्ट करते थे। दैट्स वाई बलिनो RS जो है वो थोड़ी सी महंगी हो जाती थी, और अपने सेगमेंट में सबसे परफॉर्मेंस ओरिएंटेड बहुत ज़्यादा तो नहीं कह सकते, क्योंकि पुंटो अबार्थ उस टाइम पर जो है वो BS4 जब तक एक्टिव था तब तक आया करती थी। बट हाँ, उस इंजन की रिफाइनमेंट की जब बात होती है, 3 सिलेंडर होने के बावजूद, टर्बो चार्जर होने के बावजूद भी काफ़ी क्रिस्प एंड मक्खन था। तो जब हमारे सुजुकी के इंजन के बारे में बात करते हैं, हैंड्स डाउन टू द परफॉर्मेंस ऑफ NVH, कोई समस्या आपको यहाँ पर होती हुई नज़र नहीं आएगी। और अब एक चीज़ के बारे में और डिस्कस कर लेते हैं। देखो, गाड़ी के अंदर ना खुलापन बहुत ज़्यादा है। अगर मैं इसको कंपेयर करूँ क्विड से, तो जैसे कि मेरे पैर जो है वो फ्री फॉल हो रहे हैं एकदम, मतलब ऐसा लग रहा है कि पैर जो है वो बिल्कुल खुले खुले हैं, तो वो कोई भी इशू नहीं है। और जैसे कि आप क्विड में अगर बैठोगे, तो आपको एक वॉल नज़र आएगी यहाँ पे सेंटर कंसोल पे, तो आपको थोड़ा भिजा सा साउंड होगा, ऐसा लगेगा कि यार एरीनेस कम हो गई है। और ये चीज़ निकाल पाना आउट ऑफ अ कार, आउट ऑफ अ वेरी स्मॉल केबिन, बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। रीज़न बीइंग, जब हम छोटी गाड़ियों के बारे में बात करते हैं ना, तो वी हैव टू इवन गिव फीचर्स, वी हैव टू गिव बटन्स, बहुत सारे एर्गोनॉमिक्स चाहिए होती हैं हमें, वो सारी चीज़ें देनी होती हैं। और जब एर्गोनॉमिक्स देनी होती है ना, तो कहीं ना कहीं वो तो स्पेस कंज्यूम करेगा ही ना। बटन की प्लेसमेंट हो या फिर लाइट्स की, वाइपर सेटअप्स की प्लेसमेंट हो, कहीं ना कहीं तो स्पेस कंज्यूम करेगा। तो ऐसे में मैन मैक्सिमम एंड मशीन मिनिमम, जैसे कि होंडा की फिलॉसफी है, वो बोलते हैं कि हमें मैन मैक्सिमम, यानी कि हमें इंसान ज़्यादा चाहिए गाड़ी में कंपैरेटिव मशीन्स की। तो इस तरीके की फिलॉसफी के ऊपर कहीं ना कहीं सुजुकी की जो एंट्री लेवल गाड़ियाँ हैं ना, चाहे हम बात करें एस्प्रेसो की, वैगनार इज सच एन एग्जांपल, बहुत ग्रेट एग्जांपल है वो। और यही रीज़न है कि वैगनार को लोग कंसिडर भी करते हैं। ऑब्वियसली हाईवे के लिए नोबडी इज़ गोइंग टू कंसल्ट यू टू गो फॉर वैगनार, अगर आपका हाईवे यूज़ ज़्यादा है। बट सिटी यूज़ के लिए दैट इज़ अ ग्रेट कार टू हैव। रीज़न बीइंग, आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती उसमें, स्पेस इतना ज़्यादा मिलता है कि आपको रियलाइज़ होगा कि यार स्पेस के मामले में ही वो अपने सेगमेंट तो छोड़ो, अपने से अबव सेगमेंट, जैसे कि स्विफ्ट हो गया या फिर फिगो उस दौरान आया करती थी, और आप i20 ग्रैंड, i10 नियोस वगैरह, इन सबको तो उससे ज़्यादा स्पेस ऑफर करती है। बूट तो ऑल्दो डिसेंट ही है, लेकिन पीछे का जो स्पेस है, हेडरूम है, शोल्डर रूम है, वो सारी चीज़ें ज़्यादा ऑफर करती है। सेम गोज विद ऑल्टो K10। अपने सेगमेंट में अगर देखें, क्विड को देख ले, या इवन मुझे लगता है कि जिस सेगमेंट में ये आ रही है, उस सेगमेंट में हल्का सा अबव ह्यूंडई सेंट्रो मुझे एक गाड़ी याद आ रही है, जो इससे कम स्पेस एक्चुअली उसमें आपको लगेगी। गाड़ी भी छोटी लगती है, वो नो डाउट 1100cc का इंजन है, तो कहीं ना कहीं वो वैगनार सेगमेंट की गाड़ी है। बट स्टिल कहीं ना कहीं इतनी लगती है, ऐसी लगती है जैसे बहुत छोटी कर दी गई हो सेंट्रो को, और ऑल्टो K10 से कम्पीट करती हो। प्राइसेस में भी बहुत अंतर है उसके और इसके, और तो वही सब चीज़ों की मैं बारे में बात कर रहा था। जो एरीनेस है ना गाड़ी के अंदर, वो काफ़ी अच्छे पार्ट पर रखा गया है। तो हैंड्स डाउन टू द वर्क डन बाय सुजुकी अगेन हेयर, और ऑल्टो सीरीज में ये कभी प्रॉब्लम नहीं आई। एनीवे, स्टेयरिंग फीडबैक के बारे में ज़रा मैं बात करता हूँ। सो स्टेयरिंग इज समथिंग जो मैं कहूँगा कि आई वुड बी गिविंग 8.5/10 मार्क्स टू द स्टेयरिंग। रीज़न बीइंग, थोड़ा सा टाइट है वो, और हल्का सा प्ले जरूर आपको यहाँ पर नज़र आएगा। तो देखिए, इतने पोर्शन में जो है ना वो फीडबैकेबल एक्चुअली नहीं है स्टेयरिंग व्हील, तो उस चीज़ को लेके थोड़ा सा आपको लगेगा कि हाँ, सिटी के हिसाब से हल्का सा लाइटर एंड पर जो है वो ज़रूर हो सकता है। हाँ, तो ये चीज़ भी आपको रियलाइज़ होगी। इसके साथ साथ अगर मैं बात करूँ कि आप हाईवे पे चल रहे हो या इवन सिटी पे चल रहे हो, तो आपको ऐसा नहीं है कि इस स्टेयरिंग के साथ में थकान महसूस हो जाए या आपको लगे कि यार मेरा हाथ वाथ दुख गया, ऐसा नहीं है। ये मतलब सफारी वफारी का जैसा, पुराने वाली जनरेशन की जो सफारी हुआ करती थी, उसके स्टेयरिंग व्हील्स बहुत टाइट हुआ करते थे, और पावर स्टेयरिंग होने के बावजूद भी, तो वो वाली फील आपको या वो वाला वेट एक्चुअली नज़र नहीं आएगा। स्टेयरिंग के अंदर की वेट बहुत ज़्यादा कैरी कर रही है, तो मैं डिसेंट कहूँगा कि सॉफ्टनेस के मामले में थोड़ा डिसेंट इसका स्टेयरिंग ज़रूर है। बट हाँ, मारुति सुजुकी हैज़ डन अ ग्रेट जॉब ऑन द मैकफर्सन स्ट्रट एंड टॉर्शन बीम, तो पॉट होल जो है वो इजीली कवर कर लेती है। टायर्स भी छोटे हैं, टायर छोटे होने के बावजूद भी जिस तरीके से पॉट होल्स ऊपर नीचे सस्पेंशन मूव करते हैं, तो बहुत ईजिली एब्जॉर्ब कर लेती है। ऑल्दो मैं ऐसे कोई रफ पाथ पे चला नहीं हूँ, बट आई नो कि ऑल्टो K10 के जो पुराने मैकफर्सन स्ट्रट एंड टॉर्शन बीम यूज़ किए गए हैं,
इसी गाड़ी के अंदर, नई जनरेशन भले ही है लेकिन वो मैकेनिकल चेंजेस बहुत ज़्यादा नहीं हुए हैं, तो मुझे ईजिली आई कैन डिकोड कि हाँ इसके स्टेयर, इसके सस्पेंशन में कोई इशू ऐसा नहीं आएगी। अब सिटी ड्राइव में तो इसके अंदर कोई बॉडी रोल ऐसा आपको महसूस नहीं होगी, हाईवेज पे भी ये मोस्ट ऑफ द टाइम आपको स्टेबल ही नजर आएगी, अनटिल अनलेस आप थ्री डिजिट्स क्रॉस कर रहे हो या 120-130 के बाद भी वाला जो जोन होता है वो, ऑल्दो K10 बहुत ज़्यादा कोपअप नहीं कर सकती, 150 तक आई बिलीव ये इजिली रेव करवाएगी, देर आफ्टर यू विल हैव टू थिंक। तो डू नॉट ड्राइव रैश, आई डू नॉट प्रमोट ड्राइविंग रैश, तो वो चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है। तो अगर आप इसको थोड़ा हाईवे के ओरिएंटेशन से ले रहे हो तो आई थिंक आपको फिर थोड़ा बड़ा इंजन लेना चाहिए, अगर आपकी रनिंग हाईवे पे ज़्यादा है तो यू कैन एक्चुअली कंसिडर स्विफ्ट ओवर दिस कार, अगर आपको थोड़ा हाईवे पे ज़्यादा चलना होता है या फिर एक सिटी से दूसरी सिटी आपको अक्सर रोजाना चलना होता है तो आप स्विफ्ट की तरफ ज़्यादा झुकाव अपना कर सकते हैं, अगर हम ऑल्टो के कंपेरिजन बात करें तो ऑल्टो कैन बी अ ग्रेट कार फॉर दोज पीपल जो डेली कम्यूट करते हैं इधर से उधर। मुझे मोस्ट लाइकली लगता है कि मारुति सुजुकी इसका जो है वो एक CNG वर्जन भी जल्दी ही मार्केट में लॉन्च करेगी, जैसे कि अभी आपने स्विफ्ट में देखा या डिज़ायर में देखा, इवन एस्प्रेसो में देखते हो, ऑल्टो 800 में भी आपके पास में CNG ऑप्शन आता है, और साथ ही साथ आप यहाँ पर यू नो वैगनार के अंदर भी देखते हो, तो मोस्ट लाइकली यहाँ पर जो है वो मारुति सुजुकी लेके आएगी। हम बात कर लेते हैं पैडल्स पे, ABC पैडल में डिस्टेंस काफ़ी है, इवन अगर मैं क्लच पैडल की भी बात करूँ तो उसके बावजूद भी लेफ्ट में स्पेस काफ़ी बच जाता है, वहाँ पे डेड पैडल आ जाना चाहिए था। आई थिंक इसके VXI वेरिएंट में हो, मैं श्योर नहीं हूँ, LXI में एटलीस्ट नहीं है, तो वहाँ पर आई बिलीव कि VXI या VXI प्लस में हो, मुझे आई एम नॉट वेरी श्योर अबाउट द डेड पैडल, ऑल्दो अगर वो होता तो मुझे लगता है कि ब्रोशर में शायद मेंशन होता ज़रूर, तो मेरे ख्याल में नहीं है, करेक्ट मी इफ़ आई एम रॉन्ग, तो नीचे कमेंट ज़रूर कर सकते हो। तो ABC पैडल्स की जब हम बात करते हैं तो उसके बीच में डिस्टेंस काफ़ी अच्छी है, डिस्टेंस अपार्ट है काफ़ी, और कोई भी ऐसा नहीं होगा कि आपका पैर जो है वो ओवरलैप कर रहे हैं एक दूसरे के ऊपर जो है वो रखे जा रहे हैं, डिस्टर्बेंस हो रही है पैरों को लेकर, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। राइट साइड में ज़रूर मेरा पैर जो है वो इस नॉब के ऊपर आपको नज़र आएगा कि इस नॉब के ऊपर टिक रहा है, या फिर यू नो क्या कह सकते हैं हम लोग, मैं इधर रेस्ट कर सकते हैं। तो अंडर थाई सपोर्ट इज़ नाइस, हेडरूम भी मेरा काफ़ी अच्छा खासा मिल रहा है, मैं 5'10" हूँ, उस हिसाब से जो फ्रंट का हेडरूम है वो काफ़ी अमेजिंग यहाँ पर आपको मिलने वाला है। बाकी अगर मैं गियर की परफॉर्मेंस के बारे में बात करूँ तो इट इज़ द सेम, सॉफ्टर एंड पर ही है, बहुत ईजिली जो है वो आपको गियर लगते हुए नजर आएंगे, इनफैक्ट अगर आप देखें तो आपको रियलाइज़ होगा कि थ्रोज भी बहुत ज़्यादा नहीं है, बहुत छोटा सा गियर नॉब है जिसकी वजह से आपके एफर्ट ज़रूर कम होते हैं। पार्ट शेयरिंग इधर भी की गई है, जैसे कि आप हैंड ब्रेक यहाँ पे देख सकते हैं। बाकी तो ORVM की परफॉर्मेंस के बारे में अगर मैं बात करूं तो व्यू जो है वो काफ़ी अच्छा मिलेगा। अच्छा, मजे की बात ये, जब आप एक छोटी एंट्री लेवल हैचबैक चलाते हो ना तो आपको काफ़ी एरी फील होता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं होती, देखो ए पिलर भी कितना पतला सा है इसका, और ए पिलर के बाद में ये तो कभी व्यू ऑब्स्ट्रक्ट कर ही नहीं सकता, इतना पतला ए पिलर है इसका, तो वो चीज़ ज़रूर है कि जब आप इतना पतला ए पिलर इस्तेमाल करते हुए किसी गाड़ी में देखते हो तो आपका कोई व्यू ऑब्स्ट्रक्ट नहीं होता, ना किसी यू टर्न पे, ना किसी माउंटेन पे, जब आप माउंटेन्स पे जाते हो तो वहाँ पर भी आपका व्यूज़ वगैरह जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, स्पेशली ए पिलर, तो वो छोटा रखा गया है उसमें कोई समस्या नहीं होगी। और बाकी व्यू के मामले में मुझे लगता है कि ऐसा ही लगता है कि जैसे 50 शीशे दे दिए गए हैं और मैं बस उसके अंदर जो है वो एक क्यूबिकल के अंदर बैठा हूँ, तो सारी चीज़ें जो है काफ़ी ट्रांसपेरेंट से हो जाती है। IRVM जो है वो डिसेंट साइज़ का है, लेकिन इसके पीछे वाले विंडशील्ड जो है वो प्रॉपरली विजिबल मुझे यहाँ पर हो रही है, और डिफॉगर वगैरह ऑब्वियसली LXI है उसमें नहीं दिए गए हैं, मेरे ख्याल में VXI प्लस में भी नहीं है इसमें डिफॉगर, जहाँ तक मुझे याद आ रहा है, तो वो चीज़ ज़रूर है। बाकी इंजन की परफॉर्मेंस मैंने आपके साथ में शेयर करी थी, इट्स अ गुड इंजन, और ऐसा नहीं है कि लोअर RPM पे आपको परेशान करेगा, छोटे गियर पे आप शिफ्ट कीजिए और बहुत ईजिली जो है वो ये अपने आप को प्रूव करता हुआ है, माइलेज में भी काफ़ी प्रूव किया है इस इंजन ने, अब तो डुअल जेट एंड डुअल VVT भी हो गया है, तो ज़्यादा फ्यूल एफिशिएंट होना इसका निश्चित था, तो अब तकरीबन 24.9 किलोमीटर पर लीटर का फिलहाल माइलेज जो है वो ऑल्टो K10 क्लेम करती है, बट इन रियल लाइफ आई बिलीव दिस नंबर शुड कम समवेयर अराउंड 18.5, 19 और मे बी 20 के आसपास तक जो है वो फॉल होना चाहिए सिटी ड्राइव में, और अगर आप हाईवे की बात करें तो इट माइट इवन जंप टू 22 किलोमीटर पर लीटर, उसके बाद में थोड़ा सा मुझे लगता है कि डिफिकल्ट रहेगा ऑल्टो के लिए अब यू नो माइलेज निकाल पाना। सो ओवरऑल अगर हम यहाँ पर बात करें ऑल्टो K10 की, तो मुझे ये एक अच्छी एंट्री लेवल हैचबैक लग रही है, जो जहाँ पर आप अपना पैसा जो है वो इन्वेस्ट ज़रूर कर सकते हैं, कोई दिक्कत वहाँ पर भी होती हुई नज़र नहीं आएगी। हम मिलेंगे दोस्तों एक और नई वीडियो में, ऑल्टो K10 को लेके आपके क्या रिव्यूज़ हैं, आप
मुझे नीचे ज़रूर शेयर करना। अगर आपके पास में ऑलरेडी ऑल्टो सीरीज़ की कोई भी गाड़ी है तो मुझे ज़रूर नीचे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं सबसे अच्छा जो कमेंट होगा उसको पिन यहाँ पे करूँगा। हम मिलते हैं दोस्तों एक और नई वीडियो में, आप तब तक अपना ध्यान रखें, सुरक्षित चलें दोस्तों। अंटिल फॉर नेक्स्ट टाइम, बाय बाय, टेक केयर एंड कीप लिविंग योर कार बाइक व्हाटएवर व्हीकल यू आर हैविंग, ड्राइव सेफ गाइस।